चलिए, प्लीज कंफर्म इफ वॉइस इज ओके नाउ। हेलो हेलो, अब ठीक है। ओके, सॉरी सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। ओके, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वन एकेडमी पर। और आप हैं मेरे साथ और मैं लाइव हूं सीधा मसूरी की वादियों से ठंड की इस रात में, और हम करने वाले हैं द हिंदू का एनालिसिस। द हिंदू का जो 29 जनवरी का अखबार है उसका एनालिसिस करेंगे। काफी सारे टॉपिक्स आज है डिस्कस करने को। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो है लाला लाजपत राय से संबंधित, क्योंकि लाला लाजपत राय जी का जन्मदिन था और इस मौके पर पीएम साहब जो हैं वो काफी कुछ कह गए, है ना। तो हमारा डिस्कशन ये नहीं होगा कि पीएम साहब क्या कहेंगे, लाला लाजपत राय के बारे में जानेंगे। मैं इससे पहले ये कह रहा था कि देखो, जीएस पेपर वन जो है वहां से वैसे ही काफी कम करंट अफेयर्स हमें मिलता है। जिस भी दिन मिल जाए उस दिन उसको पकड़ लेना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कम करंट अफेयर्स मिलता है तो बेसिकली करंट अफेयर्स का वजह से उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है वो तो है ही है। प्लस करंट अफेयर्स जो है जीएस पेपर वन का, दैट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द टॉपिक ऑफ, है ना, स्टैटिक। जो जीएस वन का चाहे हिस्ट्री का टॉपिक हो या ज्योग्राफी का टॉपिक हो, उसको रिवाइज करने का मौका भी देता है। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे सस्पेंशन ऑफ एमएलएज के बारे में, है ना, सस्पेंशन ऑफ एमएलएज के बारे में। तीसरा जो टॉपिक है हमारा ये बेसिकली महाराष्ट्र लेजिस्लेचर से संबंधित है। तीसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का, ठीक है, श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का। तो श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस पर डिस्कशन करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे एनवायरमेंट में बीआरटी टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है जी, बीआरटी टाइगर रिजर्व के बारे में। इसके अलावा और भी एक दो छोटे बड़े टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आइए फटाफट से शुरू करते हैं सेशन, है ना। जब शुरू करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक्स हैं आज। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। जीएस पेपर वन, इसको द हिंदू ने भी कवर किया है और इसको पीआईबी ने भी कवर किया है। लाल लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी, उनकी जयंती, ठीक है। तो ये पीएम साहब का ट्विटर का पोस्ट है। आइए फटाफट से देखते हैं लाल लाजपत राय के बारे में कुछ बात। 1865 में इनका बर्थ हुआ पंजाब के फिरोजपुर, है ना, जिले में। और इनको पंजाब केसरी या लायन ऑफ पंजाब के भी नाम से जानते हैं। अगर मैं लाल लाजपत राय की बात करूं तो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती जी के टीचिंग से इतने इन्फ्लुएंस हुए कि बाद के दिनों में इन्होंने आर्य समाज मूवमेंट भी ज्वाइन कर लिया लाहौर में। और फिर ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस बने आर्य समाज मूवमेंट के। आर्य समाज मूवमेंट का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है उसमें लाल लाजपत राय का काफी इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट रहा। इनके अगर बिलीफ की बात करें तो ये हिंदुइज्म, है ना, के आर्डेंट फॉलोअर थे। और इनका विश्वास था कि हिंदुइज्म कंबाइंड विथ नेशनलिज्म, है ना, हिंदुइज्म कंबाइंड विथ नेशनलिज्म विल लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट की बात कर रहे थे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात नहीं कर रहे थे। बट यस, ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म प्लस नेशनलिज्म, एक ऐसे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। और इनका विजन जो है वो एक सेकुलर स्टेट का ही था, ठीक। अगर मैं इनके काम की बात करूं तो नेशनलिस्ट थे, जाहिर सी बात है, और एक्सटेंसिवली लिखते थे, लिखते बहुत थे लाल लाजपत राय। और इनकी राइटिंग से काफी सारे जो दूसरे नेशनलिस्ट हैं वो इंस्पायर होते रहे, इंक्लूडिंग भगत सिंह, है ना। तो भगत सिंह वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ लाल लाजपत राय। लाल लाजपत राय एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, नीडलेस टू से, ठीक है। और इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाया, लाल बाल पाल। ये ट्रायो काफी फेमस था, पर्टिकुलरली स्वदेशी मूवमेंट के दिनों से, है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट के दिनों से ये ट्रायो काफी पॉपुलर था। तो लाल बाल पाल में लाल तो ये खुद हो गए, बाल कौन है भैया? बाल है बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन है? पाल है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाल लाजपत राय, ये तीन ट्रायो जो है दे वेर बेसिकली द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस अमंग द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पॉलिटिकल एक्शन की बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था इन्होंने,
और पंजाब में भी कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, ये बंगाल के है ना पार्टीशन के विरोध में थे। और उस समय बेसिकली लाल बाल पाल जो है वो सबसे प्रोमिनेंट नेम था, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि नॉन कॉप स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर लेकर आए, स्वदेशी मूवमेंट को एक ऑल इंडिया मूवमेंट है ना की शक्ल देने की कोशिश की इन लोगों ने। तो बहुत जोर शोर से इन्होंने काम किया इस समय, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने अपना सपोर्ट किया, नागपुर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको हम लोग कहते हैं 1920 की बात है, रीबर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नागपुर सेशन में इन्होंने नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन का, गांधी जी के रेजोल्यूशन का भरपूर सपोर्ट किया, और रॉलेट एक्ट है ना के खिलाफ भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया। रॉलेट एक्ट के बाद जब सफेदुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल का अरेस्ट हो गया, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ, उसका भी इन्होंने अपोजिशन किया। और बाद में आगे चलकर ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चुने गए 1926 में, ठीक। आपको याद ही होगा हम चर्चा कर चुके हैं ना नो चेंजर्स और राज्य, तो इलेक्शन में गए थे 1926 में, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर में एंट्री करते हैं। 1928 में ये साइमन किला कमीशन के खिलाफ एक रेजोल्यूशन है ना, एक रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आते हैं, क्योंकि कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइमन कमीशन का विरोध सड़क पर लाला लाजपत राय कर रहे थे, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं, वहीं पर लाठीचार्ज हुआ जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई, ये हम सभी को पता है। बट असेंबली के अंदर भी ये एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे साइमन कमीशन के खिलाफ, ठीक है, ये बात भी जानना जरूरी है। अगर सोशल वर्क की बात करें तो इन्होंने एक हिंदू रिलीफ मूवमेंट की स्थापना की थी 1897 में, बेसिकली ये जो फैमीन से है ना पीड़ित लोग थे उनके लिए था। साथ में इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की 1921 में। ध्यान रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं है, वो गोखले साहब का था, ये सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, ठीक है जी। अगर और कुछ बातें करें तो इन्होंने, ये शायद आप में से काफी कम बच्चे जानते होंगे, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की 1970 में, कहां, न्यूयॉर्क में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि अमेरिका के लोगों का मोरल सपोर्ट इंडियन स्ट्रगल के लिए लेना चाहते थे, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक। ही हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आज की डेट में एक अच्छा है ना इज्जतदार नेशनलाइज्ड बैंक है। इन 1885 ही एस्टेब्लिश्ड दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इन लाहौर, और हमेशा ये फिर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं, उसके बाद से एक शिक्षाविद के रूप में इनकी पहचान बन जाती है, ठीक है, उसके बाद से एक शिक्षाविद के रूप में इनकी पहचान बन जाती है, और तब से एक रिनोन्ड शिक्षाविद के रूप में ये जाने जाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि एक्सटेंसिव राइटर थे, खूब लिखते थे इनके। अगर आप राइटिंग्स की बात करें तो यंग इंडिया है, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज़ विल टू फ्रीडम, मैसेज ऑफ द भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द डिप्रेस्ड क्लास एंड ट्रेवलॉग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो काफ़ी लिखते थे ये, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यात्रा वृतांत लिखा था इन्होंने, तो एक्सटेंसिव है ना राइटर थे, ही वॉज एक्सटेंसिव राइटर, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेथ की बात करें तो 1928 में जब एंटी साइमन प्रोटेस्ट चल रहे थे लाहौर में, वहीं पर है ना उस समय के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, सस्पेंशन ऑफ एमएलए इन महाराष्ट्र, जीएस पेपर 2, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंगेज इन डिबेट्स इन द हाउस नॉट इन रिडिक्यूलिंग ईच अदर, बोल रहे हैं सदन के अंदर कुछ काम कर लिया करो, ठीक, वहां पर एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी वगैरह करते रहते हो, तो ये बात आखिर किस सेंस में निकली? तो दरअसल महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में है ना, महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में 12 बीजेपी एमएलओज को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक, 12 बीजेपी एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया है ना। अब मुद्दा यह हुआ कि इनका जो सस्पेंशन हुआ ये बात कोर्ट तक पहुंच गई, हालांकि पंजाब सॉरी महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि भैया हाउस के फ्लोर पे जो भी होता है उसको वहां पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, बट जो कानूनविद है उनका कहना है कि इट इज अबाउट सस्पेंशन, तो यस जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं दे कैन चैलेंज है ना इन द कोर्ट।
ये मामला चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ, है ना, लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर, ठीक, मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ लेजिस्लेटर कैन बी, एक लेजिस्लेटर का मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन कितना हो सकता है, 1 ईयर, 6 मंथ, रिमाइंडर पीरियड ऑफ द सेशन, रिमाइंडर पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ लेजिस्लेचर। इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा सी, है ना, रिमाइंडर पीरियड ऑफ द सेशन। किंतु परंतु बंधु, किंतु, और लोकसभा में तो है कि 5 कंटिन्यूस, है ना, 5 कंजीक्यूटिव सिटिंग या रिमाइंडर पीरियड ऑफ द सेशन जो भी कम हो। किंतु परंतु बंधु, प्रावधान है कि एक सेशन से ज्यादा के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एक साल में 3 सेशन होते हैं सर, है ना, एक साल में 3 सेशन होते हैं, एक सेशन से ज्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सेशन का जितना बचा हुआ टाइम है। यहां पर सस्पेंड किया गया कितने समय के लिए, यहां पर सस्पेंड कर दिया गया 1 साल के लिए महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा, है ना, महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया ये गैर कानूनी है, है ना, ऐसा कोई भी अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी ऑफ द, है ना, इट इज बियॉन्ड द पनिशमेंट कैपेसिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जी। सबसे पहली बात, ठीक है जी, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब सवाल है क्यों नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर एक साल तक के लिए वहां पर, मतलब एक साल के लिए अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब एक साल के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एमएलए आते हैं, या जो 12 एमएलए जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाउस के अंदर किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो क्या ये उचित है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है एक साल में। रूल ये कहता है कि अगर 60 दिनों से ज्यादा कोई भी एमपी, या अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें एमएलए, एब्सेंट होता है तो उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, है ना। मैक्सिमम कितना एब्सेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 60 डेज, 60 डेज से ज्यादा कोई अगर एब्सेंट होता है तो उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रूल ये भी कहता है वेकेंट डिक्लेयर होने के बाद 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अच्छा, 60 डेज और 6 मंथ। अब यहां पर 1 साल का सस्पेंशन, तो उस 1 साल के लिए उस सीट को खाली माना जाएगा, फिर तो हिसाब से उस सीट के लिए चुनाव करवाना चाहिए, है ना, क्योंकि खाली नहीं रह सकता। दूसरा, दिस इज अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाए। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ गए। एक और आस्पेक्ट समझिए, रूल्स क्या कह रहे हैं, आइए, तो रूल 374 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, है ना, ये क्या कहते हैं कि ग्रॉसली डिसऑर्डरली बिहेवियर के लिए सस्पेंशन किया जाता है ऑफ वन हु अब्यूजेस द रूल्स ऑफ द हाउस और विलफुल्ली ऑब्स्ट्रक्ट्स द बिजनेस, बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो या अब्यूजेस द रूल्स ऑफ द हाउस। तो मैक्सिमम सस्पेंशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम सस्पेंशन हो सकता है 5 कंजीक्यूटिव सिटिंग, 5 सिटिंग के लिए, या सेशन के रिमाइंडर पीरियड के लिए, जो दोनों में से कम हो, है ना, सेशन के रिमाइंडर पीरियड या 5 सिटिंग, दोनों में से जो भी कम हो। बोले मैक्सिमम सस्पेंशन फॉर राज्यसभा अंडर रूल्स 255 एंड 256 ऑल्सो डज नॉट एक्सीड द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। राज्यसभा में भी एक सेशन से ज्यादा नहीं, तो राज्यसभा में भी सस्पेंशन हुआ भी था, आपने देखा अभी जो लास्ट सेशन हुआ उसकी जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में मोशन आया और उस सेशन के लिए सस्पेंडेड रहे। बोले जब, अच्छा, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में वही नियम होता है जो लोकसभा में होता है ना, द सेम पैटर्न इज फॉलोड, ठीक है, तो कई सारे सस्पेंशन हुए आपने देखे, पर ये 1 साल का कौन सा लॉजिक है ना, किस हिसाब से। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये, है ना, राज्य की असेंबली के कैपेसिटी से बाहर है, 1 साल का सस्पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो द सीट, है ना, दोस 12 सीट्स विल बी डी ज्यूरे वेकेंट,
जो कि हो नहीं सकता, कोई भी सीट वेकेंट नहीं रह सकती ना, कोई भी सीट वेकेंट नहीं रह सकती। तो ये पूरा का पूरा मामला है जी। यहाँ पर रूल्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक। अच्छा कुछ और बातें जान लीजिए, यहाँ पर जो असेंबली है ना और रूलिंग पार्टी है उनका क्या कहना है। रूलिंग पार्टी का कहना है कि भैया इनका व्यवहार ठीक नहीं था। जो सस्पेंडेड एमएलए हैं उनका क्या कहना है, सस्पेंडेड एमएलए का कहना है कि हमारे साथ राइट टू इक्वालिटी है ना का हनन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें है ना हमारे पक्ष को सुना नहीं जा रहा, ठीक है। किसी के खिलाफ कुछ शिकायत होती है तो उनको भी सुनना चाहिए, उनकी पक्ष को सुना नहीं जा रहा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पक्ष को तो सुना नहीं जा रहा, जब सस्पेंडेड एमएलए ने कहा कि भैया जो आप जब कह रहे हैं कि डिसऑर्डरली बिहेवियर हमने किया, उस समय का वीडियो हमें दिखाया जाए, तो वो वीडियो भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। तो सस्पेंडेड एमएलए का कहना है कि सरकार क्या नहीं बरत रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही, और सरकार का कहना है कि एमएलए है ना मिसबिहेव कर रहे थे। और इसीलिए है ना, इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एंगेज इन डिबेट्स इन द हाउस नॉट इन रिडिक्यूलिंग ईच अदर, बोले कुछ काम कर लो, ठीक है जी। मुद्दा समझ में आ गया। यहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है, यहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है, रिसेंटली द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेजिस्लेचर्स इन इंडिया हैज विटनेस्ड न्यू लोज एग्जाम। क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है, दे हैड दैट हैज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेजिस्लेचर्स इन इंडिया हैज विटनेस्ड न्यू लोज है ना, नए रसातल तक पहुंच गया है। एग्जामिन, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन भी लिख सकते हैं, 250 शब्दों में इसको करना, ठीक है जी, कर लेंगे। कल भी मैंने आपको लिखने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप में से कुछ बच्चों ने लिखा, कुछ ने नहीं लिखा, उसको जरूर से लिखिएगा, ठीक है। लिखेंगे तो आपका ही फायदा है, मेरा कुछ नहीं आया है ना, लिखेंगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज श्रीलंका, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चल रहा है भाई। तो ये न्यूज आई है, इकोनॉमिक क्राइसिस टाइटन्स ग्रिप ऑन श्रीलंकाज हिंटरलैंड। क्या चल रहा है श्रीलंका, श्रीलंका में सबसे बड़ी समस्या ये है अभी कि श्रीलंका देखो छोटा सा देश है, छोटा सा देश है तो ये तो पक्की बात है कि सारी चीज़ें उनके पास नहीं है, ना ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो सब कुछ उपलब्ध नहीं है, ना ही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट उनके पास उपलब्ध है, लिमिटेड कैपेसिटी। ऐसे में श्रीलंका जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं मुख्य रूप से अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए और डेली नीड की चीज़ों के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। कैसा है? इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, किंतु परंतु बंधु, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है किंतु परंतु बंधु, इनके पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गए है ना, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। अगर पिछले ईयर की है ना, मतलब 2021 के अंत की बात करें, तो इनके पास मात्र 3.1 बिलियन डॉलर का रिजर्व बचा है। कितना बचा है? 3.1 बिलियन डॉलर का। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि ये कह रहे हैं कि 3.1 बिलियन डॉलर है, बट इतना भी नहीं है उनके पास। बट चलिए हम तो कम से कम ऑफिशियल आंकड़ों को ही मानते हैं, जो अखबारों में आ रहा है उसी आंकड़ों को मानते हैं। तो 3.1 बिलियन डॉलर एट द एंड ऑफ 2021, 3.1 बिलियन डॉलर आपको पता है कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं। समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर कि द हिंदू में एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है, वो व्यक्ति चाय के बागान में काम करता है ना, और दो वक्त की चाय पीने के बजाय वो व्यक्ति अब एक वक्त का चाय पीने लगा है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में फ्रेश मिल्क है ना, फ्रेश मिल्क मतलब
गाय का भैंस का ऐसा दूध बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो मिल्क वहां पर मेनली पाउडर्ड मिल्क यूज करते हैं। तो पाउडर्ड मिल्क वहां कहां से आएगा भाई, इंपोर्ट होकर आता है। और मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है तो फिर इंपोर्ट जो है जाहिर सी बात है वो देश कम कर देगा, क्योंकि अगर खूब सारे पैसे देने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीजों की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, है ना, चीजों की जो प्राइसेस हैं फॉरेक्स इतना है ठीक। अब प्राइसेस जो है चीजों की बढ़ गई हैं, पर्टिकुलरली जो फूड आइटम्स हैं या डेली नीड की चीजें हैं, ठीक है, डेली नेसेसिटी की चीजें हैं या फूड आइटम्स हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ गई। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ गए, प्राइसेस बढ़ गई। साथ ही साथ सरकार को भी जो, अब देखो ऐसे सिचुएशन में लोग वैसे ही कम खरीद पाएंगे, पर सरकार ने भी एक तरह से हम कह सकते हैं सप्लाई कम कर दी। क्यों? क्योंकि भैया फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम बचा है, तो सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा इंपोर्ट करें, तो सरकार ने इंपोर्ट घटा दिया, है ना, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं इंपोर्ट पर। तो जब चीज आएगा ही नहीं तो लोग कंज्यूम कैसे करेंगे? रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, ना, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट पर कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। देखो प्राइसेस बढ़ गई, इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन है, फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। अब आप अर्थव्यवस्था की पिक्चर देख रहे हैं वहां की, अब दिक्कत क्या है, है ना, ऐसे में दिक्कत क्या है, मैंने ये हाल है कि लोग चाय नहीं पी पा रहे दो वक्त की। आप ये सोच लो ना, बाकी बातें छोड़ो, खाना तो फिर भी महंगा है, लोग दो वक्त की चाय नहीं पी पा। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? उसका एक बड़ा कारण तो यह है कि जो श्रीलंका की इकोनॉमी है उसमें एक बड़ा हिस्सा है टूरिज्म का। टूरिज्म जो है वो पिछले, है ना, 2019 से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। 2019 में वहां पर ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद से विदेशी पर्यटकों ने उस समय आना कम कर दिया। हो सकता है थोड़े टाइम बाद रिज्यूम कर देते, बट 2020 में कोविड आ गया और उसके बाद तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो बैंड बजी है वो आपको पता ही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इकोनॉमिक गतिविधि जो है वहां पर स्लो डाउन हो गई है, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वहां पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, अच्छा, अब समस्या ये है, यहां पर मुद्दा ये है कि आखिर श्रीलंका में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उससे हमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अभी हाल में इंडिया ने कुछ करेंसी स्वैप और कुछ एड भी दिया है श्रीलंका को, ठीक, हम क्यों कंसर्न है, हमारी चिंता क्यों, हम क्यों चिंता करें? तो भैया हम क्यों चिंता करें, कंसर्न फॉर इंडिया, है ना, भारत के लिए क्या कंसर्न है जी, आइए समझने की कोशिश करते हैं भारत के लिए क्या कंसर्न है और क्यों है कंसर्न। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है भारत के लिए, देखिए इंडिया में जो, मतलब हम इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से जो सामान मंगवाते हैं, है ना, या जो सामान इंडिया से कहीं बाहर जाता है, उनमें से लगभग 70% शिप्स जो हैं, है ना, लगभग 70% शिप्स जो हैं उनमें ट्रांसशिपमेंट श्रीलंका के पोर्ट्स पर होता है। क्या होता है जी? ट्रांसशिपमेंट। अब आप बोलेंगे सर ट्रांसशिपमेंट क्या होता है जी, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? एक उदाहरण देते हैं आपको, मान लीजिए आप किसी शहर में हैं, है ना, आप लेट अस से कि दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, आप कहां रहते हैं जी, दिल्ली में रहते हैं। अब आपका, है ना, ट्रांसफर हो गया दिल्ली से किसी दूसरे शहर में, लेट अस से आपका ट्रांसफर हो गया दिल्ली से पुणे, ठीक है भाई, नहीं दो बड़े शहर हो गए, आप मान लीजिए दिल्ली के पास कहीं पोस्टेड है, मान लो आपका पोस्टिंग है लेट अस से कौन सा शहर, माने जल्दी बोलो कौन सा शहर, माने कोई सही मान लो मेरठ मान लेते हैं, मेरठ आप रहते हैं मेरठ में और आपका ट्रांसफर हो गया पुणे। अब आप मेरठ में रहते हैं, आपका ट्रांसफर हो गया पुणे, तो जनरली क्या होगा, जब आप पैकर एंड मूवर को फोन मिलाएंगे कि भैया मेरा घर का सामान और मेरी बीवी का सामान लेकर यहां से पुणे जाना है,
पैकर एंड मूवर वाला एक छोटा ट्रक लेकर आएगा, मतलब आपके सामान के अनुसार जितना भी आपका सामान हो ट्रक में सामान डालेगा। और मेरठ चूंकि दिल्ली के आसपास एक छोटा शहर है तो वो पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली में और भी लोगों का सामान जा रहा होगा पुणे, तो दिल्ली में वो छोटे ट्रक से सामान उतारेगा, बड़े वाले ट्रक में सामान डाल देगा और फिर वो बड़े बड़े ट्रक जो है वो दिल्ली से पुणे सामान पहुंचाएंगे। पुणे में एक जगह पर कहीं पर रुकेगा, वहां से फिर सामान बांट दिए जाएंगे, भैया इसका उधर ले जाओ उसका उधर ले जाओ, और वो छोटा सा वहां पर कोई ट्रक जो है वो आपके घर पर आके आपका सामान पहुंचा जाएगा। यही जब है ना जहाजों में किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक, तो 70% जहाज जो भारत आते हैं या भारत से सामान ले जाते हैं उनका ट्रांसशिपमेंट कहाँ होता है? श्रीलंका के पोर्ट्स पर होता है। ठीक है, इनका ट्रांसशिपमेंट कहाँ होता है? श्रीलंका के पोर्ट्स पर होता है। मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर पोर्ट्स जहां भारतीय शिप्स का ट्रांसशिपमेंट होता है ये चाइना के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, एक तो कंसर्न ये हो गया हमारा। दूसरा कंसर्न क्या है? दूसरा कंसर्न ये है जब कोई है ना आदमी की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है तो उसके जान पहचान वाले, उसके आस पड़ोस वाले है ना, या जो उसके साथ कुछ काम धंधा करते हैं वो उसको कहते हैं चल भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं तू ले ले लोन। लोन लेंगे मतलब जिससे लोन लिया उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, उसकी बात माननी पड़ेगी। श्रीलंका में चाइना का ठीक ठाक प्रेजेंस है, कई सारे पोर्ट्स वगैरह वहां पर चाइना ऑपरेट कर रहा है। दिक्कत यह है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगी तो चाइना फिर से फाइनेंशियल है ना लोन देकर या कुछ दूसरा एल्योरमेंट देकर चाइनीज आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सेकंड यहां पर कंसर्न क्या है हमारा? इकोनॉमिक क्राइसिस विल गिव रूम टू चाइना टू इंक्रीज इट्स डोमिनेंस, है ना, चाइना को मौका मिल जाएगा अपना डोमिनेंस इंक्रीज करने। अच्छा, श्रीलंका पर अगर डोमिनेंस इंक्रीज होता है तो सर श्रीलंका पर डोमिनेंस इंक्रीज नहीं होता, श्रीलंका पर अगर डोमिनेंस इंक्रीज होता है इसका मतलब यह है कि चाइना का इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस बढ़ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इंक्रीज इन डोमिनेंस इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है सर, इंक्रीज इन डोमिनेंस इन इंडियन ओशन रीजन। चलिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या हुआ ये तो आप समझ गए। तीसरी बात, अच्छा श्रीलंका के पड़ोस में इंडिया है, इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, मतलब और मैंने आपसे कहा कि श्रीलंका जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, मतलब काफ़ी सारा इम्पोर्ट जो है श्रीलंका को वो इंडिया से ही जाता होगा। ठीक है, अब काफ़ी सारा इम्पोर्ट इंडिया से ही जाता है और श्रीलंका के पास फॉरेक्स हो गए ख़त्म, आपने किसी को सामान दिया, अब जैसे आपने दुकान वगैरह में देखा होगा अगर आपके फादर वगैरह का बिजनेस होगा सामान चला जाता है पेमेंट बाद में होते है ना, सामान चला गया पेमेंट बाद में हो रहा है, तो भैया इंडिया वालों ने इंडिया के बिजनेसमैन ने जो सामान भेज दिया उसका पेमेंट आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है ना। तीसरी समस्या क्या है? पेमेंट है ना फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू श्रीलंका। ठीक है, पेमेंट ड्यूज ऐसा लिखो, पेमेंट ड्यूज है ना, पेमेंट ड्यूज क्लियर होगा या नहीं होगा ये समस्या। ठीक है जी, एक पर्सपेक्टिव आपको मिल गया कि इंडिया के क्या कंसर्न्स होंगे है ना। और एक जनरल बात बताता हूँ, ये तो मैंने कुछ स्पेसिफिक बात बताई, कोई भी व्यक्ति है ना आप ही हैं तो क्या आप चाहेंगे कि आपके घर के बगल में कोई स्लम एरिया डेवलप हो? नहीं चाहेंगे आप, अपने पड़ोस में हमेशा प्रॉस्पेरिटी चाहेंगे क्योंकि प्रॉस्पेरिटी होगी तभी स्टेबिलिटी होगी है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है दैट कैन लीड टू पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा या सिविल अनरेस्ट होगा तो श्रीलंका जो है वो अनस्टेबल होगा और श्रीलंका अनस्टेबल होगा तो हमारी पीस पर भी असर पड़ेगा। राइट, तो चौथा पॉइंट आप यहां पर क्या लिखेंगे? जनरल कंसर्न, क्योंकि इकोनॉमिक ब्रेकडाउन
इकोनॉमिक ब्रेकडाउन कैन लीड टू पॉलिटिकल टर्मोइल और सोशल अनलेस, ठीक है, भारत जो कि नहीं चाहता है। ठीक है जी, समझ में आ गया पूरा पूरा मुद्दा, कंफर्टेबल है? यहां पर एक मेंस का क्वेश्चन दे दूं, ये सारा कुछ लिख लिया क्या आपने? सारा कुछ लिख लिया है आपने? जल्दी से बताइए, आसान शब्दों में समझ में आ रहा है? आसान शब्दों में समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान शब्दों में पैक कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, लिखना जरूरी है सर। ठीक, चलो जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन आप लिखिए, क्या क्वेश्चन है? गिव अ स्नैपशॉट, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन इन श्रीलंका, व्हाट इंप्लीकेशंस, या ऐसा लिखो, व्हाई शुड इंडिया बी कंसर्न ऑफ दीज डेवलपमेंट्स इन इट्स Why should India be concerned of these developments in its neighborhood? ठीक है, इंडिया को क्यों कंसर्न होना चाहिए अपने नेबरहुड में ये? ठीक है जी, चलिए, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब हिंदी में कहते हैं ना, भरा पूरा परिवार, भरा पूरा देश, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी मतलब सब ठीक ठाक चल रहा हो, इकोनॉमिकली साउंड, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन लिख लिया आपने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिलीपींस टू बाय ब्रह्मोस, फिलीपींस इंक 375 मिलियन डॉलर ब्रह्मोस मिसाइल डील, है ना, दिस इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल को हम अब एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और पहला खरीदार कौन मिला है हमें? फिलीपींस मिला है, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में और भी देशों को हम अब ब्रह्मोस बेचेंगे। बेसिकली इन देशों का कंसर्न है कि मैरीटाइम रूट से चाइना इनको कोई खतरा ना पहुंचाए, इसीलिए ये इस प्रकार का मिसाइल भारत से खरीद रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि शोर बेस्ड एंटी शिप वेरियंट लेना चाहते हैं ब्रह्मोस का। क्या लेना चाहते हैं? शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट, मतलब समुद्री खतरा। समुद्री खतरा किसको है? समुद्री खतरा किसको है? साउथ चाइना सी, है ना, कि बाजू का देश है फिलीपींस, समुद्री खतरा है इन लोगों को साउथ चाइना सी में, चाइना से। ठीक है भाई, अब पहले एक सवाल करेंगे, उसके बाद आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। इंडिया हैड जॉइंटली डेवलप्ड ब्रह्मोस विथ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया ने डेवलप किया था? फ्रांस, रशिया, जर्मनी, यूएस, चार ऑप्शन है आपके पास। आंसर है रशिया, है ना। ब्रह्मोस जो नाम है वो दोनों देशों की नदियों के नाम पर है, ब्रह्मपुत्रा और मास्कोवा। मास्कोवा नदी जो है वो कहाँ है? मास्कोवा इज बेसिकली अ रिवर इन रशिया, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कोवा। चलिए, तो ब्रह्मोस जो है वो दरअसल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है भारत की डीआरडीओ और रशिया की एनबॉम के बीच में, है ना। एनबॉम जो है वो सरकारी एजेंसी है। तो ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, ये एक बैलिस्टिक नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल है। दो स्टेज का इंजन है इसमें, ठीक,
टू स्टेज का मिसाइल है। पहला सॉलिड प्रोपेलेंट स्टेज वन, जो सॉलिड प्रोपेलेंट स्टेज है इसका, वो इसको सुपरसोनिक स्पीड प्रदान करता है, ठीक। और दूसरा जो स्टेज है वो है लिक्विड रैमजेट। लिक्विड रैमजेट स्टेज में जो स्पीड है वो मैक 3 तक पहुंच जाती है मिसाइल के क्रूज फेज में, है ना। मिसाइल के क्रूज फेज में 3 मैक तक इसकी स्पीड पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? लिक्विड रैमजेट। इसका जो फ्लाइट रेंज है वो है 290 किलोमीटर, और इसका जो प्रिंसिपल है, जिस है ना प्रिंसिपल पर ये काम करता है, फायर एंड फॉरगेट, मतलब दागो और भूल जाओ, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है जी? फायर एंड फॉरगेट, है ना, अपने निशाने पर जाकर ये अपना काम कर देगा। मजे की बात यह है कि इसको फायर अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जमीन से भी कर सकते हैं, शिप से भी कर सकते हैं, सबमरीन से भी कर सकते हैं, सुखोई विमान से भी कर सकते हैं। दे फ्लाई विद इन अर्थ एटमोसफेयर एंड यूज जेट इंजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दे कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू साइज, स्पीड, सबसोनिक वेरियंट, सुपरसोनिक वेरियंट और हाइपरसोनिक वेरियंट भी इसका हो सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये टॉपिक है एनसीसी के बारे में, है ना। तो एनसीसी के बारे में आप लोग जानते हैं और थोड़ा डिस्कशन कल कर लेंगे, इस टॉपिक को आज स्किप कर रहा हूँ। हाँ जी, बीआरटी टाइगर रिजर्व, बीआरटी टाइगर रिजर्व। तो टाइगर एन्यूमरेशन या आप जिसको कहते हैं टाइगर एस्टिमेशन की शुरुआत हुई है बीआरटी टाइगर रिजर्व में। अच्छा, बीआरटी टाइगर रिजर्व के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? बीआरटी टाइगर रिजर्व के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहीं पे मिल जाएगा, आगे भी स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि क्रिटिकल हैबिटेट प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी फॉर वाइल्ड लाइफ बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट लैंडस्केप। बीआरटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ये रहा हमारा साउथ इंडिया, है ना। साउथ इंडिया में ये है हमारा, ये है हमारा वेस्टर्न घाट्स, ठीक, और इधर है हमारा बाजू में क्या, इधर है हमारा ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर मीट होता है, जहां पर मिलता है, है ना, जहां पर मिलता है उससे थोड़ा सा पहले ये, है ना, बिल्कुल यहां पे एक आप कह सकते हैं दोनों घाट्स के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका लोकेशन अगर मुझे डिनोट करना हो तो ऐसा लोकेशन है इसका, ऐसा, ठीक। तो ये दोनों, है ना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में ब्रिज है आप कह सकते हैं, ठीक है। एक दोनों के बीच का कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला ये इकोसिस्टम है, ठीक है जी, बीआरटी। तो टाइगर एन्यूमरेशन की यहां पर शुरुआत हो गई है। कहां है ये? कर्नाटक के, है ना, चामारंज, है ना, चामराज नगर में, ठीक। इसका जो नाम है बीआरटी, इट इज डेरा, इसका पूरा नाम क्या है जी? बिलीगिरी, है ना, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो बिलीगिरी जो नाम है वो आता है व्हाइट रॉकी क्लिफ से, जो कि, है ना, वहां पर स्थित है, इस टाइगर रिजर्व के वहां पर स्थित है। और यहाँ पर एक टेम्पल है जो टेम्पल विष्णु भगवान का है, और लोकली विष्णु भगवान को हम लोग कहते हैं रंगा स्वामी, ठीक है, रंगा स्वामी। तो इसीलिए इसका नाम हो गया बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, बिलीगिरी, ठीक है, वो व्हाइट रॉकी क्लिफ जिसके ऊपर में मंदिर है, रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। तो बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द हिल रेंज गेट्स इट्स नेम बाय व्हाइट मिस्ट एंड सिल्वर क्लाउड्स दैट कवर दीज लॉफ्टी हिल्स फॉर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, है ना। तो इसका नाम इसलिए भी ऐसा है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्लाउड्स हो जाते हैं, इसलिए भी ऐसा नाम है, ऐसा भी मान्यता है। कन्नड़ में बिलगिरी मीन्स व्हाइट हिल्स, हेंस द नेम, ठीक है। कन्नड़ भाषा में बिलगिरी का मतलब होता है व्हाइट हिल्स। इट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट इन द साउथ इंडिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? 1974 में। बीआरटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व इन 2011। फ्लोरा की अगर बात करूं, है ना, फ्लोरा की अगर बात करूं तो ड्राई डेसीडुअस टाइप का वेजिटेशन है यहाँ पे, एंड आर इंटरस्प्रेस विद मॉइस्ट डेसीडुअस सेमी एवरग्रीन एंड शोला पैचेस। तो शोला फॉरेस्ट भी है यहाँ पर। आपका होमवर्क यह है, वॉट आर शोला फॉरेस्ट, है ना। एक विशेष टाइप का वेजिटेशन होता है शोला वेजिटेशन। शोला वेजिटेशन क्या है इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है, जरूर से बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। चेक द कमेंट्स, किसने बताया किसने नहीं बताया। फौना की अगर बात करें तो यहाँ पर टाइगर मिलेगा,
तभी टाइगर रिजर्व है। साउथ इंडिया के इस वाले रीजन में एलिफेंट्स खूब मिलते हैं, जाहिर सी बात है, लेपर्ड है, वाइल्ड डॉग, बाइसन, सांबर है ना, इडली सांबर वाला नहीं, खाने की मत सोच, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, फोर हॉर्न एंटीलोप, स्लोथ पियर, वाइल्ड बोर, कॉमन लंगूर है ना, बोनेट मकैक, वेराइटीज ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एटसेट्रा आर फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व। तो ये हो गया भैया बीआरटी टाइगर रिजर्व के बारे में बात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर अपॉइंट्स अनंत नागेश्वरन एज सीईए। ठीक है, सेंटर ने अपॉइंट किया है अनंत नागेश्वरन को सीईए के रूप में। सीई यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो रैंक है वो कैबिनेट है ना, कैबिनेट कह रहा हूँ, सेक्रेटरी रैंक के एक व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉक्टर है ना अनंत नागेश्वरन एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एंड प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट डॉक्टर नागेश्वरन हैज वर्कड एज अ राइटर, ऑथर, टीचर एंड कंसल्टेंट। तो ये भी मास्टर थे, ठीक है, इन्होंने कई सारे बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया है भारत और सिंगापुर में। ही वॉज डीन ऑफ IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पर आइए, he has also been a part-time member of the economic advisory council, prime minister ka jo economic advisory council hai usme 2019 se 2021 tak part-time member ke roop mein reh chuke hain। inhone indian institute of management iim hai na ahmedabad se pgdm kiya hai, matlab management ka course kiya hai, doctoral degree inke paas hai university of massachusetts se। theek hai, chief economic advisor ke office ke baare mein jaan lijiye, इट इज अ पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इक्विवेलेंट टू रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, भारत सरकार के सचिव के रैंक का ये पोस्ट है। दिस सीईए इज बेसिकली हेड इकोनॉमिक, है ना, हेड किसके हैं, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, उसके मुखिया हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज इधर सेलेक्टेड फ्रॉम द इनसाइड गवर्नमेंट, नॉर्मली किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर को पहले बना देते थे, बट अब बाहर से लेने लगे हैं, जैसे कि कोई सीनियर प्रोफेसर, कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट, है ना, ऐसा ट्रेंड चल गया है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी दो तीन दिनों बाद फिर से ये न्यूज में आएंगे, क्यों, मतलब ये पद न्यूज में आएगा। बजट की ईव पर हर साल सरकार प्रेजेंट करती है क्या, जल्दी बताओ, बजट के ईव पर क्या प्रेजेंट किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे है ना, इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीईए साहब की ही होती है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बनाने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है बैड बैंक, इसको भी आज हम लोग स्किप कर रहे हैं, कल कवर करेंगे। ठीक है, इसको भी आज हम लोग स्किप कर रहे हैं, कल कवर करेंगे। ठीक है जी, चलें, चलिए तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे और बाकी की बातें करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है आप लोगों को, यहीं पर आपको पीडीएफ अगर मिलेगा, सारी डिटेल्स पर आया है। स्पेशल ऑफर क्या है भैया, स्पेशल ऑफर ये है अनलॉक 20, मतलब 30 तारीख को, जो कि अब हो चुका है, 12:00 है ना, कुछ मिनट हो गए होंगे, शायद 12:01 हो रहे होंगे, नहीं बजने वाले हैं 12, ठीक है, बजने वाले हैं 12। तो 30 और 31 तारीख के लिए, दो दिनों के लिए ये ऑफर है कि अगर आप डीएन लाइव कोड यूज कर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर मिलने वाला है, राइट, मतलब नॉर्मली 10% का डिस्काउंट मिलता है आपको, दो दिनों के लिए आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड दिस इज द बेस्ट ऑफर, फरवरी में इस तरह के बढ़िया बढ़िया ऑफर नहीं आएंगे, मैंने आपको इस महीने की शुरुआत में ही कहा था कि जनवरी में बढ़िया ऑफर मिलेंगे आपको। प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस कॉम्बो या प्लस जीएस। प्लस कॉम्बो अगर ले रहे हैं, कॉम्बो का मतलब है कि इसमें आपका जीएस और ऑप्शनल दोनों आ जाता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, टेस्ट सीरीज, बुक, सब कुछ आ जाएगा, है ना। कॉम्बो ले रहे हैं 12 महीने का तो उसमें आपको 49,000 फी है, अगर सिर्फ जीएस ले रहे हैं, ऑप्शनल नहीं चाहिए, तो 41,000, अगर 18 महीने का यानी कि डेढ़ साल का कॉम्बो ले रहे हैं तो 56,000 फी है, और डेढ़ साल का प्लस जीएस ले रहे हैं तो 47,000 फी है, अगर दो साल का ले रहे हैं तो 69 कॉम्बो के लिए और सिर्फ जीएस के लिए 59। तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो रीच आउट टू अस, है ना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है सर,
आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटोरिंग मिलेगी, स्टडी प्लानर दिया जाएगा आपको, मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ओपन हाउस सेशन होगा टीचर्स के साथ। लोन की सुविधा भी उपलब्ध है, लोन के लिए कोई इंटरेस्ट रेट, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमम पेपर वर्क है, आराम से ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है जी। ठीक है, फी कितना है सर? अगर सिर्फ जीएस का सामान्य सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल डेज में क्या फी होता है? नॉर्मल डेज में सिर्फ जीएस का वन ईयर सब्सक्रिप्शन 46,000 का होता है, टू ईयर का 67 होता है, आइकॉनिक वन ईयर 67 और टू ईयर 1,04,000। कोड हमेशा वही रहेगा, जब भी कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लीजिए डीएन लाइव, बट दो दिन में ले लीजिए तो बढ़िया ऑफर चल रहा है। ऑप्शनल का फी जो है वो 24,000 है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अगर सिर्फ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन चाहिए तो। स्पेशल क्लास की टाइमिंग है कल सुबह 8 बजे, है ना, अनअकैडमी के ऐप पे, और नया बैच शुरू हो रहा है 2 तारीख से। ठीक है जी, चलिए, अनअकैडमी कॉम्बैट का टेस्ट है कल सुबह में, जरूर दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिल रहे हैं, काफ़ी सारे फ्री टेस्ट अनअकैडमी की वेबसाइट पर या अनअकैडमी के ऐप पर अवेलेबल हैं, आप इन फ्री टेस्ट का भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जुड़े रहिएगा टेलीग्राम पर, जुड़े रहिएगा यूट्यूब पे। कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।